अब देखते हैं हम कि इन्फिल्ट्रेशन हम मेजर कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक कर्व होता है हॉटेंस इन्फिल्ट्रेशन कर्व, ठीक है। तो इसका पैटर्न समझते हैं। अच्छा मैं एक चीज़ पूछता हूँ आपको, जब आपको प्यास लगती है ना, तो आप कैसे पानी पीते हो? अगर पानी मिल जाए तो तुरंत पी लेते हो ना, एकदम जल्दी जल्दी में, है ना। वैसे ही इन्फिल्ट्रेशन के साथ होता है कि अगर सॉइल ड्राई है ना, तो इन्फिल्ट्रेशन की स्पीड क्या होगी? बहुत तेज। जैसे जैसे आपकी प्यास कम होती जाती है तो आपकी स्पीड पीने की क्या होती है? कम हो जाती है। सेम खाना खाने के साथ होता है कि जब आपको बहुत भूख लगती है तो आप तेजी तेजी से खाते हो, है ना। फिर जैसी थोड़ी भूख शांत हो जाती है फिर क्या करते हो आप? आराम से खाते हो, है ना। चलो एक और चीज़ पूछता हूँ मैं। ये मान लो कोई सॉइल है ना, इसमें बारिश हो गई, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ कि इवॉपरेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ पानी भर जाएगा बारिश के कारण, लेकिन इवॉपरेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। इवॉपरेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, ज़ीरो है इवॉपरेशन, मैंने मान लिया ऐसा प्रैक्टिकली, ठीक है। हमने ऐसा सोचा है कि यहाँ पे इवॉपरेशन ज़ीरो है, ठीक है। फिर भी एक दो दिन बाद ये पानी अपने आप गायब हो जाता है। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि ये पानी क्या हो जाता है? इस सॉइल के अंदर आ जाता है, इन्फिल्ट्रेट हो जाता है, ठीक है। क्लियर है इन्फिल्ट्रेशन? अब सबको क्या होता है इन्फिल्ट्रेशन? अब हम देखते हैं इसका कर्व कैसा होता है। जैसे मैंने बताया था कि शुरू में आपको बहुत ज़्यादा भूख है, अगर सॉइल अगर ड्राई है, ठीक है, तो उसमें इन्फिल्ट्रेशन रेट कैसा होगा? तेजी से होगा, और टाइम के साथ वो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। लेकिन क्या ज़ीरो हो जाएगा? नहीं, वो क्या होगा? थोड़ी देर बाद एक कांस्टेंट रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि शुरू में इन्फिल्ट्रेशन था, मान लो एफ नॉट, इनिशियल इन्फिल्ट्रेशन रेट था एफ नॉट, है ना। या आपको प्यास लगी है तो आप क्या शुरू में तेजी से पीते जाते हो, जैसे जैसे टाइम कम होता है आपका प्यास बुझती जाती है तो आप एक क्या हो जाते हो? कॉन्स्टेंट स्पीड में आ जाते हो, है ना। सेम इन्फिल्ट्रेशन के साथ होता है कि जब सॉइल ड्राई होती है, पहली बार बारिश हुई होती है, तो इन्फिल्ट्रेशन रेट बहुत ज़्यादा होता है, और थोड़ी देर बाद जाके वो कैसा हो जाता है? थोड़ी देर बाद वो एफसी बोल देता हूँ मैं, कांस्टेंट इन्फिल्ट्रेशन रेट से पानी उसमें इन्फिल्ट्रेट होता रहता है सॉइल में। क्लियर है? चलिए अब ये कैसे होगा। शुरू में मान लो सॉइल बहुत ड्राई थी, ठीक है, शुरू में सॉइल कैसी थी? ड्राई थी, तो इन्फिल्ट्रेशन रेट अच्छा था, ठीक है, तेज था। उसके बाद क्या हुआ? मान लो ये पूरा भर गया पानी से, सॉइल पूरी यहाँ की सैचुरेटेड हो गई इस एरिया की, ठीक है। अब लेकिन और पानी आने का ट्राई करेगा, ठीक है, हम इसको ड्रॉप से समझते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ तक पानी भर गया है बूंद बूंद, ठीक है। अब ये वाटर ड्रॉप जो है वो इस सॉइल के अंदर जाना चाहता है, तो वो क्या करेगा? इसको पुश करेगा, सब एक दूसरे को पुश करेंगे, और ये वाटर, ये पानी कहाँ चला जाएगा? ये पानी चला जाएगा आपका ग्राउंड वाटर टेबल में, ठीक है। मतलब ये डीप परकोलेशन हो जाएगा, और ये बूंदें ऊपर की इसको क्या करती जाएंगी? धक्का देती जाएंगी, और नीचे पानी आता जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि जब तेज बारिश होती है तब ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होता, जब दो तीन दिन बारिश होती है बहुत कम इंटेंसिटी से, तब होता है ग्राउंड वाटर रिचार्ज, है ना। आपने देखा होगा बड़े बूढ़े बोलते हैं ना कि अब हाँ अब थोड़ा पानी का स्तर नीचे का बढ़ेगा, जब दिन दिन भर बारिश होती है थोड़े थोड़े रेट से, ताकि वो क्या होती है, वो बारिश रन ऑफ ना होके इस ड्रॉप को धक्का देते हुए वो पानी कहाँ चला जाता है? सॉइल का डीप परकोलेशन से ग्राउंड वाटर पे। तो यही क्या है, एक कॉन्स्टेंट रेट बन जाता है, ठीक है। तो शुरू में भले इसकी कैपेसिटी कितनी थी एफ नॉट, थोड़े टाइम के बाद ये कितनी हो जाती है एफ सी, एक कांस्टेंट। क्लियर है यहां तक? अब देखते हैं हम, अगर मुझे कोई एफ टी निकालना है मान लो, ठीक है, एफ टी क्या है? इन्फिल्ट्रेशन रेट एट एनी टाइम टी। मतलब कि ये तो क्या हो गया एफ नॉट, जब मेरा टाइम जीरो था, मान लो बारिश अभी स्टार्ट ही हुई तब एफ नॉट था। अब मान लो एक घंटे के बाद मुझे इन्फिल्ट्रेशन रेट निकालना है, तो कैसे निकालोगे आप? एफ टी हो गया ना, टाइम कितना रहेगा? वन आवर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होगा आपका एफ टी इज इक्वल्स टू एफ सी प्लस
एफ नॉट माइनस एफ सी इंटू, अच्छा ये कम कैसा हो रहा है, कैसे पोजीशन में कम हो रहा है, एक्सपोनेंशियली कम हो रहा है ना, एक्सपोनेंशियली इनफिल्ट्रेशन रेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है और बाद में जाके कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या लगा देंगे, ई टू दी पावर माइनस के टी, ठीक है, एक्सपोनेंशियली कम हो रहा है कौन, एफ नॉट से एफ सी का डिस्टेंस, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं है आपको, मैं क्या करूंगा, देखो एफ सी यहां तक तो इनफिल्ट्रेशन हो ही रहा है, ठीक है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया एफ सी, ठीक है, एफ टी इज इक्वल्स टू, यहां तक तो एक कांस्टेंट रेट से इनफिल्ट्रेशन हो रहा है, इसलिए मैंने क्या लिखा एफ सी प्लस, अब इन दोनों के बीच का पार्ट ये क्या है, एफ नॉट माइनस एफ सी, इसलिए मैंने लिखा एफ नॉट माइनस एफ सी, इन दोनों के बीच का पार्ट, और ये कैसे कम हो रहा है, एक्सपोनेंशियली, किस रेट से कम हो रहा है, के रेट से, है ना, के क्या होगा, के है आपका हॉटेंस डीके कांस्टेंट, लिख लेंगे के क्या है, के है, यहां नहीं लिखते, चलो यहां पे लिख देता हूं मैं सबका मतलब, ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं एफ टी का मतलब, एफ टी का मतलब क्या होगा, इनफिल्ट्रेशन रेट एट एनी टाइम टी, ठीक है, इनफिल्ट्रेशन रेट एट एनी टाइम टी, ठीक है, ये किसी, ये होगा सेंटीमीटर पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट हम लिख लेते हैं एफ नॉट, एफ नॉट क्या था, एफ नॉट था मेरा इनिशियल इनफिल्ट्रेशन रेट, ये कौन से टाइम पे होगा, एट टाइम जीरो, है ना, इनिशियल है। नेक्स्ट हम लिखेंगे एफ सी क्या है, एफ सी है कांस्टेंट रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन, एफ सी क्या है, कांस्टेंट रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन या कांस्टेंट इनफिल्ट्रेशन रेट, आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं के क्या है, हॉटेंस डीके कांस्टेंट, के लिख लेंगे हॉटेंस डीके कांस्टेंट, मतलब इस रेट से इनफिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, डीके होता है, किस रेट से, के रेट से, ठीक है, इसको लिखेंगे हम हॉटेंस डीके कांस्टेंट, इसका यूनिट होगा आवर इनवर्स, है ना, आपने जियो उसमें पढ़ा होगा एनवायरमेंट में बीओडी, बीओडी का भी कुछ ऐसे ही होता है ना फॉर्मूला, ई टू दी पावर लगता है ना माइनस के टी, ठीक है, तो ये भी उसमें क्या होता है, के रेट से डीके होता है बीओडी, है ना, इसमें भी के रेट से डीके होता है किसका, इनफिल्ट्रेशन का, ठीक है। फॉर्मूला में याद करने की जरूरत नहीं है, ये डायग्राम से भी आप फॉर्मूला बना सकते हो, मैंने बताया ना एफ सी करेंगे, इसने लिखा है पहले एफ सी प्लस एफ नॉट माइनस एफ सी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, और ये कैसे कम हो रहा है, एक्सपोनेंशियली कम हो रहा है, इसलिए ई, किस रेट से कम हो रहा है, के से, इसलिए ई टू दी पावर माइनस के, और कितने टाइम लग रहा है उसको, तो टी, कि एक घंटे में कितना कम हुआ, टी टाइम है ना, दो घंटे में कितना कम हुआ, तो उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। याद करने की जरूरत है क्या इस फॉर्मूले को, नहीं है, ठीक है, ये डायग्राम बना के आप इजीली ये फॉर्मूला निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए टी लिख लेते हैं हम, टी क्या है, टी इज टाइम इन आवर, टाइम इन आवर, जिस भी टाइम में निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा आपका, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब मैं एक चीज पूछता हूं आपको, ये इनफिल्ट्रेशन रेट तो वेरी कर रहा है ना, शुरू में बहुत ज्यादा, बाद में कांस्टेंट हो रहा है, लेकिन हमको जब कुछ डिजाइन करना होता है स्ट्रक्चर, है ना, या फिर हम कुछ भी डाटा निकाल रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं वहां का, तो इनफिल्ट्रेशन लॉस भी तो एक बहुत बड़ा पैरामीटर है, तो वो हम ऐसे वेरिएबल में तो नहीं ले सकते, हमको कैसा चाहिए, हमको कुछ ऐसा इनफिल्ट्रेशन रेट चाहिए जो कि कुछ ऐसा एवरेज हो, या मैं क्या बोलूंगा, मुझे कैसा चाहिए, एवरेज इनफिल्ट्रेशन रेट, है ना, ऐसा कुछ एवरेज इनफिल्ट्रेशन रेट चाहिए, ताकि सब टाइम के लिए एक सा हो जाए, ताकि मैं डिजाइन क्या कर सकूं, इजीली कर सकूं, ठीक है। तो उसके लिए एक टर्म आया, वो था इनफिल्ट्रेशन इंडाइसेस, इनफिल्ट्रेशन
इंडाइसेस। ठीक है, इनफिल्ट्रेशन इंडाइसेस कुछ नहीं है, ये क्या है, ये है एवरेज इनफिल्ट्रेशन रेट। ये क्या है, ये है एवरेज इनफिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, क्योंकि आप ऐसे वेरिएबल इनफिल्ट्रेशन रेट पे डील नहीं कर सकते, है ना, एनालिसिस या डिजाइन नहीं कर सकते, इसलिए हमने क्या बनाए, इनफिल्ट्रेशन इंडाइसेस बनाए। ठीक है, जो कि क्या होते हैं, एवरेज इनफिल्ट्रेशन रेट होते हैं। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है फाई इंडेक्स, एक होता है डब्ल्यू इंडेक्स। ठीक है, एक होता है फाई इंडेक्स, एक होता है डब्ल्यू इंडेक्स, इसमें लिख लेते हैं हम, एक होता है फाई इंडेक्स, एक होता है डब्ल्यू इंडेक्स। ठीक है, नाम सुन के डरेंगे नहीं, ये क्या है, ये तो एवरेज इनफिल्ट्रेशन रेट है ना। अब मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी शुरू में, है ना, जब हमने इन्फिल्ट्रेशन स्टार्ट किया था तो मैंने दो एजम्पशन दिए थे कि हाँ ग्राउंड कैसा होगा, प्लेन, और उसमें कोई भी प्लांटेशन नहीं होगा। तब मैं क्या लिख सकता था, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में मैं ऐसा लिख सकता हूँ, रेनफॉल, रेनफॉल, या फिर मैं उसको बोल सकता हूँ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन इज इक्वल्स टू इन्फिल्ट्रेशन लॉस प्लस रन ऑफ लॉस। अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं उसको नेगलेक्ट कर रहा हूं, किसको, इनिशियल लॉस को, है ना। मैंने दो एजम्पशन लिए हैं कि ग्राउंड प्लेन है और वहां पे कोई प्लांट नहीं है, कोई ट्री नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो इनिशियल लॉस होंगे क्या, नहीं होंगे। तो मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, प्रेसिपिटेशन इज इक्वल्स टू इन्फिल्ट्रेशन लॉस प्लस रन ऑफ, है ना, मैंने शॉर्टकट में लिखा है, ये बन गया मेरा इक्वेशन। अब अगर मुझे एवरेज इन्फिल्ट्रेशन निकालना हो इसी इक्वेशन में, ठीक है, मुझे एवरेज इन्फिल्ट्रेशन नहीं पता लेकिन मुझे प्रेसिपिटेशन पता है और रन ऑफ पता है, तो मैं कैसे निकाल लूंगा एवरेज इन्फिल्ट्रेशन। एवरेज इन्फिल्ट्रेशन मैं लिख लेता हूं यहां पे, आ जाओ यहीं पे देख लेते हैं हम डायरेक्ट एवरेज इन्फिल्ट्रेशन। अभी मैं बोल रहा हूं फाई इंडेक्स, ठीक है, फाई इंडेक्स में हम इनिशियल लॉसेस कंसिडर नहीं करते, फाई इंडेक्स को ही मैं क्या बोल रहा हूं, यही क्या है, एवरेज इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, या फिर क्या बोला था हमने, इनफिल्ट्रेशन इंडाइसेस, फाई इंडेक्स था, ये क्या है, एवरेज इनफिल्ट्रेशन। तो अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जब मैं इनिशियल लॉस कंसिडर नहीं कर रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूं जितना भी इनिशियल लॉस हुआ है वो क्या हुआ है, सिर्फ इनफिल्ट्रेशन ही हुआ है। ठीक है, इनिशियल लॉस इज कंसिडर्ड एज इनफिल्ट्रेशन। तो जब ये सोच के हम एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट निकालते हैं तो उसको हम फाई इंडेक्स बोलते हैं। क्लियर है, एक बार फिर से रिपीट करके बता रहा हूं मैं, फाई इंडेक्स कब बोलते हैं हम इन्फिल्ट्रेशन इंडाइसेस को या एवरेज इन्फिल्ट्रेशन को, जब हम इनिशियल लॉस को भी क्या कंसिडर करते हैं, इन्फिल्ट्रेशन लॉस। ठीक है, क्योंकि इनिशियल लॉस निकालना बहुत मुश्किल होगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फाई इंडेक्स इज इक्वल्स टू, जो कि एवरेज इन्फिल्ट्रेशन के बराबर होता है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू हो जाएगा प्रेसिपिटेशन। ठीक है, इसी फॉर्मूले को देखोगे, आई अगर यहां, आई यहीं रहे, आर वहां चला जाए, तो क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन माइनस रन ऑफ डिवाइडेड बाय टीई। टीई मैं बोलूंगा इफेक्टिव टाइम ऑफ रन ऑफ, जितने टाइम तक रन ऑफ हुआ उसको मैं क्या बोलूंगा, टीई। ठीक है, क्लियर है, तो इससे एवरेज निकल जाएगा ना दोनों का, डेप्थ डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डेप्थ बाय टाइम, सेंटीमीटर बाय आवर, किसका यूनिट था, सेंटीमीटर पर आवर, इन्फिल्ट्रेशन रेट का। क्लियर है, तो फाई इंडेक्स का फॉर्मूला मिल गया, क्या होता है, रेनफॉल डेप्थ माइनस रन ऑफ डेप्थ डिवाइडेड बाय द टाइम ऑफ द रन ऑफ। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं डब्ल्यू इंडेक्स। अब अगर मैं इनिशियल लॉस को कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है, पहले वाले में क्या था, इनिशियल लॉस को मैं कंसीडर नहीं कर रहा था, तब मैं उसको क्या बोला, फाई इंडेक्स। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी देख लेंगे, इट इज द एवरेज रेनफॉल अबव विच द रेनफॉल इज इक्वल्स टू द रन ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, अब इसको डायग्राम में समझते हैं। मान लो यही क्या था, जो एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट था, यही क्या था, इसी को मैंने बोल दिया फाई इंडेक्स।
ठीक है, देखो डेफिनेशन पढ़ो एक बार. इट इज द एवरेज रेनफॉल अबव विच रेनफॉल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू रन ऑफ वॉल्यूम. मतलब इस एवरेज इन्फिल्ट्रेशन के नीचे जितना भी एरिया होगा वो क्या होगा, वो कहलाएगा मेरा इन्फिल्ट्रेशन. ठीक है, और इसके ऊपर जितना भी एरिया होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा रन ऑफ. क्लियर है? इस तभी तो बोला ना अबव दैट, देखो लिखा है अबव विच द रेनफॉल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू रन ऑफ वॉल्यूम. तो इस इन्फिल्ट्रेशन रेट के ऊपर जितना भी पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, रन ऑफ. जो नीचे होगा वो क्या कहलाएगा, इन्फिल्ट्रेशन. ठीक है, चलिए. तो अगर बारिश की इंटेंसिटी इससे कम रही एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट से, बारिश की इंटेंसिटी, तो कुछ भी रन ऑफ होगा क्या, नहीं होगा. सबका सब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इन्फिल्ट्रेशन में. और अगर इस एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट से ज़्यादा हुई बारिश की इंटेंसिटी, तो फिर कुछ रन ऑफ में कॉन्ट्रीब्यूट हो जाएगा जितना भी इसके ऊपर का होगा. क्लियर है? चलिए अब एक बार देखते हैं डब्ल्यू इंडेक्स. डब्ल्यू इंडेक्स क्या है? इट इज अ रिफाइंड फॉर्म ऑफ फाई इंडेक्स इन विच इनिशियल लॉसेज आर सेपरेटेड फ्रॉम द टोटल एब्स्ट्रैक्शन एंड एन एवरेज वैल्यू ऑफ इन्फिल्ट्रेशन रेट कॉल्ड द डब्ल्यू इंडेक्स. तो मैं डब्ल्यू इंडेक्स को लिख सकता हूं ऐसा, डब्ल्यू इंडेक्स इज इक्वल्स टू प्रेसिपिटेशन माइनस रन ऑफ प्लस इनिशियल लॉसेस. ठीक है, अब मैं इनिशियल लॉस को भी कंसिडर कर रहा हूं. ठीक है, तब वो क्या कहलाएगा, डब्ल्यू इंडेक्स. तो ये और रिफाइन हो गया किससे, फाई इंडेक्स से. लेकिन प्रैक्टिकली हम ज्यादातर क्या यूज करेंगे, फाई इंडेक्स, क्योंकि इनिशियल लॉस निकालना बहुत कठिन है और इनिशियल लॉस बहुत कम होता है. ठीक है, तो एक एवरेज आइडिया हमको लग जाता है किससे, फाई इंडेक्स से. चलिए, डिवाइडेड बाय क्या करोगे आप, टीई, इफेक्टिव टाइम. क्लियर है? फाई इंडेक्स, डब्ल्यू इंडेक्स, और हम इन्फिल्ट्रेशन रेट कैसे निकालते हैं, एट एनी टाइम टी. ठीक है, चलिए अब एक प्रॉब्लम देखते हैं हम. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ स्ट्रॉम विथ 10 सेंटीमीटर प्रेसिपिटेशन प्रोड्यूस्ड अ डायरेक्ट रन ऑफ 5.8 सेंटीमीटर गिवन द टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्ट्रॉम एज बिलो, एस्टिमेट द फाई इंडेक्स ऑफ द स्ट्रॉम. ठीक है, तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे बनाते हैं ये हम देखते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले ये तो थोड़ा कठिन हो गया प्रॉब्लम, चलिए पहले इसी को ट्राई करते हैं, इसके बाद मैं एक सिंपल वाला भी दिखाऊंगा आपको. ठीक है, पहले इसी में ट्राई करते हैं. तो सबसे पहले हम इसमें ले लेते हैं फर्स्ट ट्रायल. जब भी आपको ऐसा ज़्यादा डाटा वाला क्वेश्चन मिले ना, जिसमें टाइम अलग अलग टाइम पे अलग अलग रेनफॉल हो रहा हो, तब आपको ट्रायल बेसिस पे करना है. ठीक है, तो भले यहाँ रेनफॉल दिया हुआ है, लेकिन हम रेन एक और कॉलम बनाएंगे, रेनफॉल इंटेंसिटी, जो आपको आगे काम आएगा. क्योंकि इस क्वेश्चन में इंटरवल 1 आवर का है, इसलिए आपकी रेनफॉल इंटेंसिटी भी रेनफॉल डेप्थ के बराबर हो जाएगी. लेकिन जब ये इंटरवल 2 घंटा हो जाएगा या आधा घंटे के बीच का हो जाएगा, तब आपकी रेनफॉल इंटेंसिटी और रेनफॉल डेप्थ में डिफरेंस आ जाएगा. ठीक है, इसलिए हम अभी से ट्राई करेंगे, रेनफॉल इंटेंसिटी भी लिख देते हैं हम. ठीक है, रेनफॉल इंटेंसिटी तो कितनी हो जाएगी, रेनफॉल इंटेंसिटी सेम हो जाएगी. क्यों? क्योंकि यहां पे टाइम इंटरवल 1 आवर का है. ठीक है, अगर ये इंटरवल चेंज होता जाएगा तो इंटेंसिटी भी चेंज होती जाएगी. ठीक है, तो आप हर क्वेश्चन में ऐसे ही अगर माइंड सेट रखेंगे तो आपका इजीली दो इंटरवल वाला भी बन जाएगा और हाफ आवर इंटरवल वाला भी बन जाएगा. ठीक है, 1.5, 2.3, 1.8, 1.6, 0.5. ठीक है, अब हम लिख लेते हैं फर्स्ट ट्रायल के लिए मेरा प्रेसिपिटेशन डेप्थ या रन ऑफ डेप्थ कितनी है, ऊपर दिया हुआ 10 सेंटीमीटर. ठीक है, लेकिन अपन को विश्वास नहीं होता है, तो आप सब ऐड भी कर लोगे ये वाली वैल्यू, तो ऑटोमेटिक वो 10 के बराबर आएगा. देखो करते हैं, 0.4 प्लस 0.9, 1.3, 1.3 प्लस 1.5, 2.8, 2.8 प्लस 2.3 कितना हो जाएगा, 5.1, 5.1 प्लस 1.8, 6.9,
6.9 प्लस 1.6 कितना हो जाएगा 8.5, 8.5 और 1 9.5 और आधा कितना हो जाएगा 10, तो आ रहा है ना ये पूरा 10 के बराबर, तो हम लिख लेते हैं 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बताओ रन ऑफ कितना दिया हुआ है, रन ऑफ दिया हुआ है कितना 5.8 सेंटीमीटर। निकालना क्या है फाई इंडेक्स, फॉर्मूला क्या था फाई इंडेक्स का, पी माइनस आर डिवाइडेड बाय टीई मतलब इफेक्टिव टाइम। ठीक है, तो पहला ट्रायल में फाई इंडेक्स निकालेंगे, फाई इंडेक्स कितना आ रहा है 10 करेंगे, 10 माइनस 5.8 डिवाइडेड बाय कितने आवर है 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइडेड बाय 8, ये हो जाएगा आपका 4.2 डिवाइडेड बाय 8, ये आएगा अराउंड 0.5 सेंटीमीटर पर आवर। तो अब मुझे मिल गया एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट कितना है 0.525। ठीक है, अब मैं देखूंगा कि किस किस आवर में रन ऑफ नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां मैंने क्या बताया था टी की डेफिनेशन कि जितने घंटे रन ऑफ होगा उतने ही घंटे हमको क्या करना है डिवाइड। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कौन कौन से आवर्स में इन्फिल्ट्रेशन नहीं मतलब रन ऑफ नहीं हो रहा है, कैसे पता चलेगा, जिस जिस आवर में इससे ज्यादा है वैल्यू, मैंने बताया था ना आपको टेबल में कि जब एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट से कम होता है किसकी रेनफॉल की वैल्यू तो रन ऑफ नहीं होता है बिल्कुल भी। ठीक है, इस एवरेज इन्फिल्ट्रेशन से ऊपर होगा तभी रन ऑफ होगा। ठीक है, तो सबसे पहला केस देखते हैं, हमारा इन्फिल्ट्रेशन रेट कितना है 0.525। ठीक है, पहले घंटे में कितनी बारिश हुई है 0.4, तो क्या इसमें रन ऑफ होगा, कौन बड़ा है इन्फिल्ट्रेशन बड़ा है ना रेनफॉल से, तो इसमें रन ऑफ होगा, इसमें रन ऑफ नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 0.9, इसमें रन ऑफ होगा, हाँ इसमें रन ऑफ होगा क्योंकि ये 0.525 से बड़ा है तो इसमें रन ऑफ होगा। सेकेंड वाला 1.5 बड़ा है रन ऑफ होगा, ये भी बड़ा है 2.3, आप चेक किससे करोगे, चेक हमको करना है इंटेंसिटी से। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर पर आवर में है और इंटेंसिटी भी किस में है सेंटीमीटर पर आवर में, तो भले इस केस में क्योंकि इंटरवल 1 आवर है इसीलिए रेनफॉल डेप्थ और इंटेंसिटी बराबर है, इसलिए इस केस में हम दोनों में से किसी में भी चेक कर सकते हैं, लेकिन जिसमें इंटरवल 1/2 आवर हो या 2 आवर हो या 3 आवर हो उसमें आप किससे चेक करोगे, सिर्फ रेनफॉल इंटेंसिटी से। ठीक है, ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो आप करोगे अपने पहले क्वेश्चन बनाने में, तो मैं उसको पहले से ही आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें होगा 1.8 बड़ा है, 1.6 भी बड़ा है, 1 भी बड़ा है, 0.5 में होगा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 0.525 बड़ा होता है 0.5 से, क्लियर है, तो इसमें भी नहीं होगा। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, फर्स्ट ट्रायल में तो मिल गया, अब हम सेकेंड ट्रायल लेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकेंड ट्रायल। ठीक है, सेकेंड ट्रायल में पी कितना हो जाएगा प्रेसिपिटेशन, अब क्योंकि आप ये दोनों कॉलम नहीं ले रहे हो है ना, तो प्रेसिपिटेशन कितना हो जाएगा 10 में से 0.4 और 0.5 माइनस कर दूंगा मैं, तो कितना हो जाएगा 10 में से कितना माइनस किया मैंने 0.9, तो हो जाएगा ये 9.1 सेंटीमीटर। लेकिन रन ऑफ की वैल्यू में कोई चेंज आएगा क्या, रन ऑफ की वैल्यू में चेंज आएगा, नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इन दोनों घंटों में तो रन ऑफ हो ही नहीं रहा है ना, क्योंकि इन दोनों घंटे में जो इन दोनों घंटे में जो रेनफॉल की इंटेंसिटी है वो इससे कम है फाई इंडेक्स से, या इन्फिल्ट्रेशन की इंटेंसिटी से कम है ये रेनफॉल की इंटेंसिटी, तो इसमें रन ऑफ नहीं होगा। ठीक है, तो रन ऑफ की क्वांटिटी वही रह जाएगी 5.8 सेंटीमीटर, क्लियर है। चलिए अब बताइए टी कितना हो जाएगा, इस केस में टी कितना था 8 आवर्स था, इस केस में टी कितना हो जाएगा, ये दो घंटे में कट कर दूंगा तो अब कितना बचेगा 6 आवर्स, क्लियर है। अब हम सेकेंड ट्रायल करते हैं,
इसमें फाई इंडेक्स कितना आ रहा है देखेंगे, 9.1 माइनस 5.8 डिवाइडेड बाय 6। तो 9.1 माइनस 5.8 कितना होगा, ये हो जाएगा 6.8, 7.8, 8.8, ये हो जाएगा 3.3 डिवाइडेड बाय 6। तो कितना आएगा आंसर, आएगा मेरा 0.5 सेंटीमीटर पर आवर। अब हम दोबारा चेक करेंगे कि इससे छोटा कोई है क्या बचे हुए छह में से, क्योंकि पहले ही दो हम काट चुके हैं। तो इससे छोटा है कोई नहीं, ये बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा और ये भी बड़ा है। तो हमारा फाई इंडेक्स अब आ चुका है, क्योंकि अब इससे छोटा कोई भी नहीं बचा है। तो आंसर कितना होगा आपका, 0.55 सेंटीमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।